मुझे लगा ही था आप ऐसा कहेंगे, इसलिए मैं आखिरी मिनट तक सोच रही थी, लेकिन फिर मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और आ गई। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। हाँ? मैं तो बस पूरे दिन यही सोच रहा था कि तुम घर पर अकेली क्या कर रही होंगी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि स्कूल में आज क्या क्या पढ़ाया, मेरा तो दिमाग खराब हुआ पड़ा है। ऐसा मत कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए छोटे मालिक। मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ कि मुझे पिकअप करने मत आया करो। ठीक है। छिपकर देखना बुरी बात होती है। तुम्हें ये बात पता नहीं है क्या? ऐसे छिप छिप कर देखने में बड़ा मजा आता है। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, कैसे बताऊँ? इनका रिश्ता कितना प्यारा और खूबसूरत है। काश कि मुझे भी इतना प्यार करने वाला कोई मिलता, या कोई मेट जिसके साथ मैं ढेर सारी मस्ती कर पाती। अब आप सपनों की दुनिया से बाहर निकलिए, घर चलिए, हमें देरी हो रही है। अरे यार, तुम कितनी बोरिंग हो, मुझे भी जिंदगी में कोई प्यार। अच्छा लग रहा है, तुम बहुत अच्छी हो लिलिथ।
और तुम मसाज भी बहुत अच्छी करती हो। दर्द तो जैसे गायब ही हो गया है। क्या ये भी तुम्हारे जादू का हिस्सा है? कुछ तो गड़बड़ है। छोटे मालिक, मुझे अच्छी तरह पता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। ये तो गलत है। ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें पसंद है? मैं ये जानना चाहता हूँ। संभल कर जाइएगा, मैं बाद में आपके स्कूल आऊंगी, ठीक है? क्या हो गया? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ओ हाँ, इस बार तुम्हें जो सही लगे वही पहन कर आना। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, संभल कर जाइए। हम सब ईश्वर की शपथ लेते हैं कि हम पूरी ईमानदारी के साथ खेलेंगे और साथ ही अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाएंगे। अब आपके सामने अगला गेम है टग ऑफ वॉर। इस खेल में हिस्सा लेने वाले सभी स्टूडेंट्स मैदान के बीचों बीच आ जाएं। मैंने सारी तैयारी कर ली है, अब बस जो सीखा है उसे अमल में लाने का समय आ गया है। यूरी तो बिल्कुल तैयार लग रहा है। मैं इस गेम में उतनी अच्छी नहीं हूँ, इसलिए मैं उसे आगे रहने दूंगी। सुनो ए बेवकूफ, पंगा ना ले, धूल में मिला दूंगा। वो तो देख ही लेंगे। जबरदस्त आग लगी है। मैंने यूरी को इतना प्यारी पहले कभी नहीं देखा। मजा आएगा। छोटे मालिक, जाइए अपना बेस्ट दीजिए। अब मैं समझी कि यूरी इतना जोश में क्यों है। उसकी मेट जो आई है। बीच
चाहता था कि जीत जाऊं ताकि उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। वो मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती है। छोटे मालिक, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमारी रेड टीम जीत गई। बहुत बढ़िया। छोटी मालकिन, वो दोनों एक साथ कितने प्यारे लगते हैं ना? मेरी आंखें। छोटी मालकिन, The maid I hired recently is mysterious. क्या तुम्हें ये सही लगता है? पहले तुम ओपन हाउस डे के दिन आई थी और आज स्पोर्ट्स डे के दिन आई हो जबकि यहाँ इतने सारे लोग मौजूद हैं। हाँ तो उसमें क्या हो गया? मेरे छोटे मालिक ने ही मुझे आने को कहा। आज का हमारा फर्स्ट हाफ अब तक तो अच्छा रहा। बहुत अच्छी बात है। माफ करना, हम आप दोनों के लंच में इस तरह से दखल दे रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा मजा आता है ना? आपका शुक्रिया लिलिथ, हमें इनवाइट करने के लिए। आप दोनों को पेट भर के खाना चाहिए ताकि आगे अच्छा परफॉर्म कर सको। ठीक है, चलो खाते हैं। ये तो बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। हाँ तो खाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। ऐसा है तो मैं ले लेती हूँ। परेशान किया? पहले ओपन हाउस के दिन परेशान किया था और आज स्पोर्ट्स डे के दिन भी। तुम्हें बेकार ही जल्दी उठकर लंच बनाना पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है छोटे मालिक, मुझे तो खुशी हुई। तो क्या तुम भागने में भी अच्छी हो लिलिथ? भागने में? मैं? जिन पेरेंट्स और गार्डियंस की ऑब्स्टेकल रेस शुरू होने जा रही है वो कृपया करके एंट्रेंस के पास आ जाए। क्या ऑब्स्टेकल रेस होने वाली है? वो सिर्फ एक मेड नहीं हो सकती।
आज तुमने सबसे अच्छा परफॉर्म किया और सबसे अच्छी भी दिख रही थी। तुम खुश होती हो तो मुझे भी खुशी होती है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरा दिल जोरों से धड़कता है, क्योंकि तुम परिवार का हिस्सा हो ना। मुझे नहीं लगता कि ये मेरे सवाल का जवाब है। मुझे तो लग रहा है तुम मेरे दिमाग को कंट्रोल कर रही हो ताकि मुझे ऐसा लगे। गड़बड़ है, वाकई में कुछ तो गड़बड़ है। सोचती हूँ आज इसके साथ क्रीम चिकन बना लूं। पर मेरा तो आज कैरेट खाने का मन है। सच में? पापा ने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं कैरेट खाऊंगी तो वो मुझे पीठ पे बिठाएंगे। ओ अच्छा, ये बात है। क्योंकि लिलित मेड नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा है। बारिश हो रही है और पता नहीं क्यों लिलित ऐसे मौसम में सब्जियां लेने गई है। मैं घर आ गई छोटे मालिक। अचानक बारिश होने लगी और मैं फंस गई, पूरी गीली हो गई। दाल चाहिए ना? मैं दाल लेकर आता हूँ। थैंक यू छोटे मालिक। तुम्हें जाकर नहा लेना चाहिए वरना सर्दी हो जाएगी। आपको मेरे साथ नहाने चलना है छोटे मालिक? ऐसा हम सिर्फ शादी के बाद कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। तुम्हें तो थोड़ा भी धीरज नहीं है। ठीक हो? हाँ,
ठीक हूँ। कल रात जो हुआ उसके लिए I'm sorry छोटे मालिक। सॉरी क्यों? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता ना। छोटे मालिक, वो बात अलग है कि तुम्हें देखकर मैं बहुत डर गया था। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो गया? तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं। अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही हो तो एक्टिंग मत करना। मैं ठीक हूँ। तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रही? तुम ठीक हो ना, वरना डॉक्टर को बुलाता हूँ। तुम भाग क्यों रही हो? ललित रुक जाओ। द मेड आई हायर्ड रिसेंटली इज मिस्टीरियस। जो टाइम वेस्ट हुआ उसकी भरपाई कर पाऊं। छोटे मालिक, आप क्या कर रहे हैं? खिड़की साफ कर रहा हूँ। मैंने सोचा आज तुम्हारी मदद कर दूं। लेकिन छोटे मालिक, इसके बाद तुम सफाई करोगी ना, कहाँ से शुरुआत करनी है? इतना सोचने के लिए शुक्रिया, लेकिन ये सारे काम करना मेरी जिम्मेदारी है। आप जाकर आराम कीजिए छोटे मालिक, ये सारे घर के काम मैं निपटाती हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है और मुझे ही करना चाहिए, है ना? दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी होगा। वो तो है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं, मैं वैसे भी दिन के समय ऐसे ही बैठा रहता हूँ। तुम बीमार थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम अचानक इतना सारा काम करो। छोटे मालिक, और वैसे भी मैं जितना हो सके तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ। ललित, मैं अपनी जिंदगी का हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, ये गलत है? हॉलवे बचा है ना? हाँ, और फिर सफाई खत्म होने के बाद मैं जाकर खाना बनाऊंगी। हाँ, मैं भी मदद करूंगा। क्या हुआ छोटे मालिक, मेरा इन्फेक्शन आपको तो नहीं लग गया? नहीं, बस आज थोड़ी ठंड ज्यादा है। एक सेकंड, मैं अभी आई। अब कैसा लग रहा है? अब आपको थोड़ी गर्मी लग रही है? हाँ, मगर इसे भी तो ठंड लग रही होगी। वैसे भी ये जिस तरह के कपड़े पहनती है बहुत ही सस्पिशियस लगती है। तुम हमेशा इतने ज्यादा खुले खुले कपड़े क्यों पहनती हो बताओ? किसे दिखाने के लिए पहनती हो? और किसे दिखाने के लिए पहनूंगी छोटे मालिक? आपके लिए, ताकि आप एक लड़की के शरीर को जान सके। छोटे मालिक, मुझे लगता है तुम्हें भी ठंड लग रही होगी। सिर्फ मेरा नहीं, अपना भी ख्याल रखो। बुखार वापस आ गया तो बीमार पड़ जाओगी। तुम जानती हो ना, तुम इस परिवार की बहुत ही अहम सदस्य हो। थैंक यू छोटे मालिक। शायद बीमार पड़ना उतना भी बुरा नहीं है। तुमने कुछ कहा क्या? हाँ, नहीं कुछ नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा। चलिए काम पूरा करते हैं। क्या, कुछ तो गड़बड़ है ललित। अच्छा ठीक है, तो ये प्लान है। हाँ, और मेरे ख्याल से इस बार हम कामयाब होंगे। तो ठीक है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं सेज बनूंगा। टेंशन मत लीजिए, हैलोवीन पार्टी से पहले ही मैं आपका कॉस्ट्यूम पूरा बना दूंगी छोटे मालिक। हाँ, इस बार मैं बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप होकर गोजोइन को सरप्राइज करूंगा। तो गोजोइन ने आपको अपनी हैलोवीन पार्टी में इनवाइट किया है? लगता है आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, है ना? तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, मुझे लगता है वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त है। तुम तो कमाल हो ललित, बढ़िया खाना बनाती हो, घर का ख्याल रखती हो और कपड़े भी सिलना जाती हो। कोई बात नहीं, इससे पहले तो मैं जहाँ थी वहाँ बहुत काम होता था। अच्छा, तुमने पहले जहाँ भी काम किया है सब तुम पर बहुत भरोसा करते होंगे ना? ये सब छोड़िए, बताइए आपकी लकड़ी पर कौन से कलर का स्टोन लगाना है? मुझे लगता है कि या तो रेड कलर अच्छा लगेगा या फिर ब्लू। रुको, मुझे सोचने दो। अच्छा एक काम करो, तुम्हें जो भी कलर पसंद हो वो लगा दो। जैसा आप कहें। ये बताओ तुम क्या पहनोगी ललित? हाँ, गोजोइन ने मेरे साथ तुम्हें भी हैलोवीन पार्टी में इनवाइट किया है, तुम भी हैलोवीन कॉस्ट्यूम तो पहनोगी ना? हाँ। क्यों, नहीं पहनना चाहती? ऐसा नहीं है कि मैं पहनना नहीं चाहती, लेकिन छोटे मालिक, क्या आप मुझे इतनी बेसब्री से ड्रेसअप होते हुए देखना चाहते हैं? हाँ चाहता हूँ, बिल्कुल चाहता हूँ। तुम बहुत ही क्यूट हो, तुम जो भी पहनती हो उसमें अच्छी ही लगती हो। मैं तुम्हारे साथ हैलोवीन की मेमोरीज बनाना चाहता हूँ। छोटे मालिक, मैं आपकी बात समझ गई, तो मैं भी हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहनकर चलूंगी। अरे वाह, मगर तुम क्या पहनोगी? चुड़ैल का कॉस्ट्यूम? वैसे भी तुम किसी जादूगरनी से कम नहीं हो।
चलिए देखते हैं।
मैंने उसके साथ वाकई कमाल की मेमोरीज बनाई हैं और मुझे हर रोज उसका एक नया रूप देखने को मिलता है। और वेलकम होम मेरे छोटे मालिक। घर पहुंचने पर भी मैं अकेला नहीं होता, कोई मेरा इंतजार करता है। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है अब वो पहले की तरह सस्पिशियस नहीं रही। मैं बेसब्री से लिलित को देखना चाहता हूँ। मैं घर आ गया। वेलकम होम छोटे मालिक। कुछ तो गड़बड़ है, उसने अभी अभी कुछ तो छिपाया है। क्या हो सकता है? कुछ तो सस्पिशियस ही होगा। आपको क्या हो गया? मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? लगता है आज आपने मुझे स्कूल में बहुत मिस किया है ना छोटे मालिक? नहीं, मेरा मतलब हाँ, मैं पूरे दिन क्लास में तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। और कहानी क्या है मुझे? मैं पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाया क्योंकि मैं दिन भर ये सोच रहा था कि तुम घर पर अकेले क्या कर रही होगी। प्लीज अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए छोटे मालिक। बात को बदलने की कोशिश मत करो। तुम क्या छिपा रही हो ये बताओ। तुमने अभी अभी अपने पीछे कुछ छुपाया है ना? इस बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले आप जाकर फ्रेश हो जाइए, हाथ मुंह धो लीजिए। तब तक मैं जाकर डिनर तैयार करती हूँ। कुछ तो गड़बड़ है, वो मुझे अभी क्यों नहीं बता रही? लेकिन वो इतनी मायूस क्यों लग रही थी? टेस्ट अच्छा नहीं है और लिलित भी कुछ नहीं बोल रही। वो क्या छिपा रही है? मुझसे तो खाया भी नहीं जा रहा। छोटे मालिक, क्या आपको याद है जब मैं पहली बार आपके इस घर में आई थी और मैंने आपके लिए पहली बार खाना बनाया था? आप डर डर कर निवाला मुंह में डाल रहे थे और स्वाद चखने के बाद आपकी आंखें चमक उठी थी। आपकी आंखें देखकर मुझे लगा अच्छा हुआ जो मैं यहाँ आई। आज भी मैं उस दिन के बारे में अक्सर सोचती हूँ छोटे मालिक। लिलित, आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है, मुझे जाना होगा। मेरे लिए मैसेज आया है। जहाँ मैं यहाँ से पहले काम किया करती थी वहाँ फिर बुलाया गया है। तो यही वो मैसेज था जो तुम छिपा रही थी? मुझे लगा था उन्हें मुझे ढूंढने में थोड़ा और टाइम लगेगा। ये बताओ, क्या तुम हमारे घर किसी को भी बिना बताए आई हो लिलित? तो नहीं, मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं जाने दूंगा। तुमने अब तक अपने जादू के असर को नहीं मिटाया, वो जादू जिससे मेरे दिल की धड़कन तेज होती है। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम कौन हो, लेकिन तुम अब भी सस्पिशियस हो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, समझी तुम? तुमने वादा किया था कि तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक मैं ये पता नहीं कर लेता कि तुम कौन हो। और तुमने ही तो मुझसे कहा था ना कि मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ। तुमने ही मुझे सिखाया था ना कि जिंदगी कितनी हसीन है। मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो। भूलो मत कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ लिलित। थैंक यू छोटे मालिक। तुम सच में नहीं जाना चाहती? आखिर मैं आपकी मेड हूँ छोटे मालिक। क्यों, मैंने सही कहा ना? हाँ छोटे मालिक, मुझे खुशी हुई। मुझे भी। यहाँ क्यों बैठे हो? आज के असाइनमेंट के बारे में सोच रहे हो? असाइनमेंट? मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा, मैं तो बस पूरे दिन अपनी मेड के बारे में सोचता रहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। क्या तुम मुझे अपनी इस कहानी के बारे में थोड़ा और बताओगे? हो सकता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर पाऊँ। ठीक है, बताता हूँ। दरअसल बात यह है कि जब से वो मेरे घर पर आई है, मैं पता नहीं क्यों उसे हमेशा शक की नजर से देखता आया हूँ। मेरी नजर उस पर से हटती ही नहीं। जब भी उसके बारे में सोचता हूँ दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और मेरी सांसें भी फूलने लगती हैं और मुझे समझ में नहीं आता कि पता नहीं इसे कैसे बताऊं। तुम्हारी नाक से तो खून निकल रहा है। अरे मेरी छोड़ो, क्या तुम्हारे साथ हर वक्त ऐसा होता है? हाँ हर वक्त, यही तो परेशानी की बात है। अच्छा ये बताओ यूरी, तुम्हें वो बतौर इंसान कैसी लगती है?
बहुत ही सस्पिशियस लगती है। सस्पिशियस? वो एक रोज अचानक मेरे घर पर आई और फ्री में काम करने लगी। उसकी चमकदार पर्पल आंखें बहुत प्यारी हैं और जिस तरह वो मुझे देखती है मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। उसके करीब रहता हूँ तो भी खुशी होती है। ललित से जुड़ी हर बात सस्पिशियस है। अरे क्या हो गया? इसमें सस्पिशियस कुछ भी नहीं है पागल, ये तो तुम्हारा सच्चा प्यार है। और बात सुनो, वो जो भी खाना बनाती है बहुत ही टेस्टी होता है और उससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। उसकी ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी है, मुझे तो वो बहुत ही सस्पिशियस लगती है। ये कहानी तो मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा रोमांचक है। थैंक यू ऊपर वाले, थैंक यू सो मच। वो तुम्हें कौन सी चीज परेशान करती है? जब ललित मुस्कुराती है तो मुझे बहुत खुशी होती है और जब वो मायूस हो जाती है तो पता नहीं क्यों मुझे भी बहुत बुरा लगता है। और तो और, जब ललित किसी और से बात करती है तो मुझसे देखा भी नहीं जाता। ललित मेरी मेड है, मुझे वो बहुत सस्पिशियस लगती है और इस वजह से मेरा दिमाग घेरा नहीं रहा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जबकि मुझे पता है वो सस्पिशियस है, तब भी मैं नहीं चाहता कि वो मुझे छोड़ कर जाए। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ, मैं जब से उससे मिला हूँ और भी ज्यादा उलझता जा रहा हूँ। हो सकता है कि मुझे किसी तरह की बीमारी हुई हो। मैं जब भी उससे पूछता हूँ वो सवाल को टाल देती है। मुझे लगता है मैं सच में बीमार हूँ और वो मुझे ये बात बता नहीं रही। पर तुम दोनों का रिश्ता ही कुछ ऐसा है ना, शायद उसी वजह से तुम्हें ऐसा। क्या हम दोनों का रिश्ता? एक मिनट, तुम्हें सच में नहीं पता तुम्हारे बीच क्या है? मुझे लगा तुम जानते हो और इसलिए ऐसा। ऐसा हूँ मतलब? नहीं कुछ नहीं, मैं तंग आ चुका हूँ, मैं इन सब चीजों से और डील नहीं कर सकता। समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करूँ। मैं अपने इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करूँ तुम ही मुझे बताओ। उसके बारे में बताते वक्त भी मेरी सांस फूल रही है। क्या तुम मुझे बताओ? यूरी, ये जो कुछ भी तुम्हें महसूस हो रहा है ये कोई बीमारी नहीं है। हाँ? मैंने बुक्स में इसके बारे में पढ़ा है, ये चीज बीमारी से भी ज्यादा दर्द देती है लेकिन ठीक से संभाला जाए तो सबसे बड़ी खुशी देती है। असल में तुम्हें प्यार हुआ है। आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बस किसी चीज के
बारे में सोच रहा हूँ। सॉरी तुम्हें परेशानी में डाल दिया। बिल्कुल नहीं, सॉरी मुझे कहना चाहिए, मैं ही बेवजह आपको परेशान कर रही हूँ। वैसे आप किस बारे में इतना सोच रहे हैं? मैं वो ली ली मैं बाद में बताऊंगा। तुम्हें ये भी नहीं पता कि प्यार क्या होता है? मैंने इस बारे में बुक्स में जानने की बहुत कोशिश की, मगर कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा जो उसके लिए मेरी फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर सके। ऐसा है तो एक काम करो, स्कूल के बाद मेरे घर चलो, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असल में प्यार क्या होता है। मेरे घर पर तुम्हारा स्वागत है यूरी। मुझे बुलाने के लिए थैंक्स। हम छत पर बैठने जा रहे हैं, वही चाय ले आना। ठीक है छोटी मालकिन। मम्मी ये देखिए, स्कूल से मेरा एक फ्रेंड आया है। आओ बेटा अंदर आ जाओ, इसे अपना ही घर समझो, ठीक है? जी आंटी, मुझे इस तरह का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इससे मुझे अपना पास्ट याद आता है। हाँ? ये लो सुकासा, ललित ने ये तुम्हारे लिए दिया है। फाइनेंसियस, थैंक यू सो मच यूरी, मुझे फाइनेंसियस सच में बहुत पसंद है। तुम्हारी मेड सबका कितना ख्याल रखती है। प्यार के बारे में भी समझ पाऊं। अब मेरी और
और ध्यान से देखिए और अच्छी सी ड्राइंग बनाइए। मजाक कर रही हूँ। हाँ समझ गया। ठीक है मैं ध्यान से करूँगा। तुम्हारे पास आंखों के नीचे दो मोल्स हैं और एक चेस्ट पर है। बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ? ऐसे अपना चेहरा छिपाओगी तो ड्रॉ कैसे करूँगा? अभी अभी तो तुमने ही कहा कि ध्यान से देखकर बनाना। अच्छा ठीक है तो मैं पोज करूँ? मुझे किसी पोज में ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे खड़े रहने में क्या मजा? हाँ ये तो है। और मेरे कपड़े, अगर मुझे ड्रॉ करना है तो कपड़े भी अच्छे होने चाहिए। हाँ वो भी है। तो मैं किस तरह के कपड़े पहनूं बताइए? आप जो कपड़े बोलेंगे मैं वही कपड़े पहनूंगी। इस तरह से पोज करूं मैं या फिर मैं इस तरह से पोज करूं? वो मैं तुम जैसी हो वैसी ड्रॉ करना चाहता हूं। जैसी हो वैसी? आपका मतलब है कि मैं जैसी हो वैसी? जैसे आप मुझे रोज देखते हैं वैसे? हाँ जैसे मैं तुम्हें रोज देखता हूँ बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करना चाहता हूँ। जैसे आप मुझे रोज देखते हैं तो आज मैं भी देख पाऊंगी कि आप मुझे कैसे देखते हैं छोटे मालिक। क्या पता आपकी नजरों में मैं शायद बहुत ही अलग दिखती हूँ। अरे ये क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारी ड्राइंग चाहे कितनी भी मुश्किल हो मैं उसे जरूर बनाकर रहूंगा। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। चाहे इसके लिए मुझे जिंदगी भर यहीं क्यों ना बैठना पड़े। मेरी ड्राइंग पूरी हो गई। क्या मैं देख सकती हूँ? बहुत अच्छा है। पता नहीं था आपके अंदर ये टैलेंट भी है। छोटे मालिक नहीं तुम इस ड्राइंग से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। क्या? लेकिन ये ड्राइंग इतनी अच्छी तो बनी है। बिल्कुल नहीं तुम इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। ये ड्राइंग तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। मैं अपनी ड्राइंग में तुम्हारी खूबसूरती उतार नहीं पाया हूँ। छोटे मालिक मैं फिर से बनाऊंगा। अब तुम हिलना मत। अच्छी बनने तक बनाता रहूंगा। आपको तो डार्क सर्कल्स आ गए हैं। मेरी ड्राइंग अब तक पूरी नहीं हुई है। क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि आप ड्रॉ ही नहीं कर पा रहे हैं? मजाक कर रही हूँ। पता है मैं तुम्हारे बारे में इतना सोच रहा था कि मैं पूरी रात सो ही नहीं पाया। अरे बाप रे, रात में कितने घंटे सोए छोटे मालिक? पता नहीं, मैं बेड पर लेटे हुए तुम्हारी ड्राइंग के बारे में ही सोच रहा था और देखते देखते सुबह हो गई। छोटे मालिक आज रात आपको अच्छी नींद आए इसकी जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। छोटे मालिक इस कैंडल की खुशबू से देखना आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। छोटे मालिक इसकी खुशबू बहुत अच्छी है मगर तुम्हारी खुशबू से ज्यादा नहीं। मेरी खुशबू? मैं अगर ऐसा है तो आप मेरी गोद में अपना सर रख कर सो जाइए। अगर आपको मेरी खुशबू पसंद है तो आपको अच्छी नींद आएगी। बिल्कुल नहीं, अगर मैं ऐसे सोऊंगा तो तुम्हारे पैरों में दर्द होगा और उस डर से मुझे नींद नहीं आएगी। अच्छा ठीक है तो ये गरम दूध पी लीजिए। हल्का सा म्यूजिक, हॉट आई मास्क। नींद नहीं आ रही। तो फिर क्या मैं आपकी बगल में सो जाऊं ताकि नींद आ जाए? मजाक कर रही हूँ। तुम मेरे बगल में सो सकती हो? हाँ। अगर तुम मेरे बगल में सोओगी तो मुझे अच्छी नींद आएगी। लेकिन मैं सिर्फ आपकी मेड हूँ। तो क्या हुआ? नींद आ रही है छोटे मालिक? कुछ पता नहीं। तुम यहाँ काम करने क्यों आई हो? तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में दिन भर इतना सोचता हूँ कि रात में भी नींद नहीं आती। तुम मेरे इतने करीब हो फिर भी बताओगी नहीं ना कि तुम्हारी सच्चाई क्या है? तुम यहाँ क्यों आई हो? कितना कुछ है जो मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता। मुझे
अच्छी नींद आई। बहुत बहुत शुक्रिया लिलिथ, गलती तुम्हारी थी जो मुझे नींद नहीं आ रही थी। गुड मॉर्निंग, सुनकर खुशी हुई। आप क्या सोच रहे हैं छोटे मालिक? मुझे याद नहीं आ रहा कल सोने से पहले क्या हुआ था, बस इतना याद है कि मुझे पुरानी बातें याद आ रही थी। मगर क्या तुम्हें कुछ याद है लिलिथ? क्या, मुझे कैसे पता? फिर से मेरे सवाल से भाग रही हो तुम? हाँ? मैं तुम्हारी वजह से रात को सो नहीं पा रहा था। अगर फिर से नींद आने में दिक्कत हुई तो आज ड्राइंग पूरी होने के बाद फिर से मेरे बगल में सो जाना। लेकिन लेकिन फिर मेरी नींद पूरी नहीं होगी, उसका क्या? बच्चों, यूरी के लिए तालियां बजाओ। छोटे मालिक ने अपनी ड्राइंग पर इतनी मेहनत की कि उन्होंने कंपटीशन जीत लिया और उन्हें इसके लिए अवार्ड भी मिला। इसने आज ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या ये किसी से मिलने जा रही है? कहीं ये डेट पर तो नहीं जा रही? छोटे मालिक, मैं पक्का छुट्टी ले सकती हूँ ना? आपको परेशानी तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, यही तो घर के मालिक का काम होता है, अपने नौकरों को छुट्टी देना। जैसा आप कहें, तो फिर मैं आज छुट्टी ले ही लेती हूँ। सुनी थी। शुरुआत में तुम स्कूल में सबसे शरारती थी और फिर अचानक एक रोज तुम बदल गई।
उस वक्त तो मुझे लगा कि ये अफवाह है, लेकिन फिर जब तुम्हारे साथ दोबारा मुलाकात हुई तब मुझे यकीन हुआ कि तुम गोजोइन से मिलकर बदल गई हो। वैसे भी तुम दिल की बहुत अच्छी हो फुजिसाकी। अब बस भी करोगी? हाँ? मुझे शर्म आ रही है। आई एम सॉरी, लेकिन सच में तुम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। पता नहीं छोटे मालिक के साथ मेरी बॉन्डिंग ऐसी कब होगी। मुझे तुम दोनों बहुत प्यारे लगते हो। जब भी तुम दोनों को साथ देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी छोटी मालकिन भी तुम दोनों के रिलेशनशिप में बहुत इंटरेस्टेड है। मगर सच कहूँ तो मैं तुम्हें अपना समझकर एक सलाह देना चाहती हूँ। अगर तुम्हें सही लगे तो मुझे लगता है कि तुम्हें बात कर लेनी चाहिए। अगर तुम ऐसा करो तो शायद वो भी अपने दिल की बात तुम्हें बताएंगे। क्या मैं कभी ऐसा कर भी पाऊंगी? वही जरूरी बात। जरूरी बात? मैं आज डिनर में हैमबर्ग स्टेक्स बनाने वाली हूँ। नहीं, आपको हैमबर्ग स्टेक्स पसंद नहीं है क्या? ठीक है तो मैं कुछ और बना दूंगी। नहीं वो बात नहीं है, मुझे वो बहुत पसंद है, खास तौर पर जब वो स्टेक्स जूसी बनते हैं। ठीक है मैं समझ गई। नहीं मेरा मतलब है कि कोई जरूरी बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती और मुझसे छुपा रही हो। जरूरी बात? तुम आज गोजोइन की मेड से कुछ बात कर रही थी ना? आपको कैसे पता? इसका मतलब आप मेरा पीछा कर रहे थे? हाँ, मैं खुद को तुम्हारे पीछे आने से रोक नहीं पाया। आज तुमने इतने अच्छे कपड़े पहने थे और तुम उन कपड़ों में बहुत प्यारी भी लग रही थी। वैसे तो तुम हमेशा मेड वाले कपड़ों में रहती हो। मैं जानना चाहता था तुम किससे मिल रही हो और मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई? छोटे मालिक, और तुम उससे जो बात कर रही थी
मुझे लगा कि वो कोई जरूरी बात है। सॉरी। सुनो ललिथ, जब उसने तुमसे मुझे कोई बात बताने की बात कही थी, क्या वो कोई ऐसी बात थी जो मेरे पास से जुड़ी हो? बताओ। आपको ये सब कैसे पता चला? मुझे बचपन की कुछ चीजें आज भी याद है। मुझे याद है मेरे मम्मी पापा इस घर में एक लड़की को लेकर आए थे। तब वो लड़की बहुत अलग दिखती थी। मगर मैं जानता हूँ कि वो लड़की तुम ही थी। और वो जो गाना है, तुम वो गाना भी रोज सोते वक्त मेरे लिए गाती थी, है ना? मैंने सही कहा ना? तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपा के रखी, बताओ? क्योंकि जरूरी है कि तुम अपना दिल खोल कर बात करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मुझे लगा अगर मैंने आपसे वो बात कही तो आप मुझे गलत समझेंगे, सोचा कि आप मुझसे नफरत करने लगेंगे। मैं क्यों नफरत करूंगा? मैं चाहती थी कि मैं आपको ये बात पहले ही बता दूं, फिर सोचा कि अगर आप वो सब बातें खुद याद करें तो अच्छा होगा। अगर मैं याद दिलाती और आपको याद नहीं आता तो? इसी वजह से मैंने इसका कभी जिक्र नहीं किया। मुझे याद है, मुझे सब कुछ याद है ललित। अब मैं वो सारी बातें याद करने की कोशिश करूंगा जो मैं पिछले कुछ सालों में भूल चुका था। इसलिए प्लीज तुम बिल्कुल भी मायूस मत होना ललित। अच्छा बच्चों, आज पीछे की रो से स्टार्ट करते हैं। पहले जवाब कौन देना चाहेगा? यूरी, ललित के साथ तुम्हारी कोई बात आगे बढ़ी? तुमने उससे कुछ बात किया नहीं? मैं भी कैसी बेवकूफ हूँ, मैं तो सिर्फ दूर से तुम दोनों को देखना चाहती थी, पर मुझसे रहा नहीं गया। क्या कहा, रहा नहीं गया? वो आज तुम अच्छे मूड में हो ना, तो मैंने सोचा कि तुम दोनों की बात आगे बढ़ी होगी और तुम दोनों के रिश्ते में कुछ नया हुआ होगा। असल में तुम्हें प्यार हुआ है। मैं ललित के ख्यालों में इतना खो गया कि बुक पढ़ना भूल ही गया। इसका मतलब जरूर कुछ हुआ होगा, प्लीज मुझे बताओ ना क्या हुआ। क्या जानना चाहती हो तुम आखिर? मुझे सब कुछ जानना है जो भी तुम दोनों के बीच हुआ। हम दोनों साथ में सोए थे। हम दोनों साथ में सोए थे।
कहा कन्फेस। ये क्या कह रहे हो, तुम उसके साथ सोए और वो भी बिना कन्फेस किए? ये कैसे हो सकता है, तुम गलत कर रहे हो। अरे कौन सा कन्फेशन? अपने प्यार के बारे में कन्फेस करना है और क्या? अरे कोई प्यार या रोमांस या ऐसा कुछ नहीं हुआ है जैसा तुम सोच रही हो। मुझे तो अभी ललित पर शक है। इसका मतलब तुम्हें अब तक एहसास नहीं हुआ ना कि तुम ललित से असल में कितना ज्यादा प्यार करने लगे हो यूरी? ओ, 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 मैं और ललित के साथ? और नहीं तो क्या, इसलिए तो तुम उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हो। तुम्हारा दिल चाहता है क्योंकि तुम उससे प्यार करने लगे हो। तो ये जो मैं ललित के बारे में इतना जानना चाहता था, इतना सोचता था, ये फीलिंग कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ये सब कुछ असल में यूरी, कहाँ जा रहे हो? थैंक यू बोजोइन, अब मुझे जाना होगा। रुक जाओ, मैं भी साथ चलती हूँ। यूरी रुको। छोटी मालकिन, और कितनी देर मुझे ऐसे रुका कर रखेंगी? आपको ट्यूशन भी तो जाना है। इसलिए मैं इतने समय से ललित को लेकर इतना एंग्शियस हूँ, इतना फिक्रमंद हूँ। ललित भी फिक्र कर रही थी, उसे लगा शायद मुझे कुछ याद नहीं आएगा, और इस पूरे समय मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, और अब भी लगता है, मगर मुझे उसे बताना होगा अभी के अभी। ललित, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जहाँ भी जाती हो मेरी आंखें तुम्हारा ही पीछा करती हैं। तुम मुझे जब सुबह उठाती हो तो दिन सुहाना लगता है। जब भी तुम मुझे लोरियाँ सुनाती हो वो मेरे दिल को छू जाती हैं। तुम्हारा मेरे लिए चीजें खरीदना, तुम्हारा वो मुस्कुराना, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मुस्कुरा रही है। मुझे तुम्हारी हर बात पसंद है ललित, मुझे तुम्हारी हंसी पसंद है, मुझे तुम्हारी ये चमकीली आंखें पसंद है जो मुझे तुम्हारी ओर खींचती हैं। मुझे तुम्हारी हर एक बात से प्यार है। छोटे मालिक, लेकिन मैं, तुम बस बकबक करना जानती हो। इसके अलावा तुम्हें कुछ आता भी है ललित? कौन हो तुम? तुम बीच में मत बोलो, मैं तुम्हारी मेड से बात करने आई हूँ यहाँ। ललित, इस बंगले को छोड़ो और वापस पुराने काम पर लौट जाओ, समझी तुम? क्या कहा तुमने? नत्समे, एकदम बढ़िया। पहले तुम ये बताओ, क्या तुम्हारी बात आगे बढ़ी? गोजोइन ने मुझे एहसास दिलाया, मगर मैंने उसे अब तक कुछ नहीं बताया है। आखिर मैंने ललित से कह दिया कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। बंगले में एक जान आ गई है, मगर मुझे लगता है कि वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? और मैं भी नात्सुमे के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, आखिर वो भी तो ललित से मेरी तरह बहुत प्यार करती है। ये तो जरूर एक लव ट्रायंगल स्टोरी है। इतनी ठंड है, ये लड़का अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? आखिरकार वो आ गया। वो कौन है? एक सेकंड, कहीं ये इसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है और ये ललित से प्यार करने का नाटक कर रहा है? मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी, मैं घर जाकर ललित को ये बात जरूर बताऊंगी। लव स्टोरी में जान डालने के लिए तीसरा कैरेक्टर तो चाहिए ना?
इस तरह का रोमांटिक ड्रामा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है करीम भाई की झलकी से। ऐसा वाला ड्रामा मुझे बहुत पसंद है। आखिर में किसे चुनेगी ये मेड? किसकी होगी जीत? इस कहानी में कितना मजा आएगा। छोटी मालकिन, चलिए हमें देरी हो रही है, अब हमें जाना होगा। वही लड़की है जो एकेडमी में सबसे ज्यादा शरारती थी, मिस फुजिसाकी। अरे बाप रे, कहीं से ऐसा तो नहीं लगा कि मैं इससे पंगा ले रही हूँ। नात्सुमे, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने कुछ भी नहीं देखा सच में। तुम यहाँ मेरे स्कूल के बाहर क्या कर रही हो नात्सुमे? मैं तो बस तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। अच्छा, तो वो सिर्फ तुम्हारी क्लासमेट है? अगर क्लासमेट नहीं होगी तो और क्या होगी? अब तुम अभी बच्चे हो, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। वो सब छोड़ो, तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो इसलिए क्योंकि मैं सोच रही थी घर थोड़ी जल्दी चली जाऊँ, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें गुड बाय कहने आई थी। ओह अच्छा, तो तुम जा रही हो? हाँ, बहुत मिस करोगे ना। तुम्हें क्यों मिस करूँगा? कितना अजीब लड़का है ये। तो बात ये है कि जल्द ही क्रिसमस आने वाला है, क्या तुम्हें पता है कि लिलिथ को क्रिसमस गिफ्ट में क्या चाहिए? ओए, देख कर नहीं चल सकता क्या? गिरा दिया, चल अब इसके पैसे दे। ये लड़का अपने आप को परेशानी में क्यों डाल रहा है? मैं आप लोगों से नहीं, आप लोग मुझसे टकराए। तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा, हम तुझसे टकराए, तेरे पास इस बात का क्या प्रूफ है? आपके पास कोई प्रूफ है कि मैं आपसे टकराया? जुबान लड़ाता है, तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? एक छोटे बच्चे को अकेला देखकर उस पर हाथ उठा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी टांग मत अड़ाओ, निकलो यहाँ से। तुमसे गलती हो गई, हमें प्लीज यहाँ से जाने दो, हमें माफ कर दो। सुनो, तुमने उन हाई स्कूल के लड़कों से जिस तरह से बात की वो अच्छा था, लेकिन हाँ, अगली बार इतना खतरा मत उठाना वरना खामखा ललित परेशान हो जाएगी। सही कहा तुमने, सॉरी। मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। नात्सुमे, आज तुमने कमाल कर दिखाया। कौन सी बड़ी बात थी? तुमने मेरे लिए कुछ किया, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। हाँ, मेरे लिए इसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ क्यों नहीं, तुमने मुझे आज मार खाने से बचाया है, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना तो बनता है। अब मैं इसे क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, एक काम है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। छोटे मालिक को लेने इनके स्कूल चली गई थी? हाँ बस ऐसे ही। ठीक है, पर कम से कम तुम्हें मुझे बता कर जाना चाहिए था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ नात्सुमे। आती हूँ। इन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे और कितनी बार बताना होगा? क्या मैंने कहा ना ये वाला ज्यादा अच्छा है? नहीं बिल्कुल नहीं, ललित के अंदर का बचपना ही उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहा ना उसका ग्रोन अप मैच्योर साइड ही सबसे ज्यादा अच्छा है, तुम समझते क्यों नहीं? चलो अच्छा है, इनकी आपस में बन रही है। अभी कोई आया था क्या? नहीं, खैर मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ। नात्सुमे, तुमने तो कहा था कि तुम ललित के लिए गिफ्ट चुनने में मेरी मदद करना चाहती हो। हाँ। चलो फिर अपने डिस्कशन पर वापस आ जाते हैं। क्या सरप्राइज? हाँ, हम ललित को बताए बिना घर पर एक क्रिसमस पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। इसे सीक्रेट क्यों रखना है? ये तो समझने वाली बात है, हम इस बात को सीक्रेट रखकर क्रिसमस के दिनों से एक सरप्राइज देंगे। हाँ ये प्लान ठीक लग रहा है। ठीक है तो डील। मैं ललित से कहूंगा कि गोजोइन ने मुझे अपने घर पे क्रिसमस पार्टी के लिए बुलाया है, और फिर मैं उसे किसी बहाने से बाहर ले जाऊंगी और उसे समय पर बंगले पर वापस ले आऊंगी। इस तरह से मुझे पता भी चल जाएगा कि उसे क्या चाहिए जब हम बाहर होंगे। एक तीर से दो निशाने। वैसे जल्द ही क्रिसमस आने वाला है ना? हाँ सही कहा, कुछ ही दिनों में क्रिसमस है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। छोटे मालिक, आपका क्या प्लान है?
मुझे माफ करना लिलिथ, मुझे गोजोइन ने अपने घर पे क्रिसमस पार्टी के लिए बुलाया है। हाँ, इसका मतलब आप वहाँ जाएंगे? हाँ, मैं डिनर भी उसी के साथ उसी के घर पे करने वाला हूँ। ठीक है। लिलिथ, क्यों ना हम दोनों क्रिसमस पार्टी के लिए कहीं बाहर चले? ठीक है, हम बाहर चलेंगे। छोटे मालिक, आप गोजोइन के घर की पार्टी खूब एंजॉय करना। हाँ ठीक है। मुझे कम से कम उन्हें कोई गिफ्ट तो देना ही होगा। तो तुमने अभी अभी जो बताया वो सच है क्या? हाँ, क्या तुम भी आना चाहोगी सुकासा? मैं मना कैसे कर सकती हूँ, जरूर आऊंगी। थोड़ा धीरे बोलो। क्रिसमस का सरप्राइज, कितना मजा आने वाला है। तुम्हें पता है मैंने इस सब्जेक्ट पर कई सारी बुक्स पढ़ी है, मगर पहले तुम्हें कुछ बहुत ही रोमांटिक प्लान करना होगा। तुम उसे हेलीकॉप्टर से शहर दिखाने ले जा सकते हो, या फिर क्रूज को रेंट पर लेकर डिनर क्रूज कर सकते हो। बाथटब के अंदर गुलाब के फूल डालकर माहौल को और रोमांटिक बना सकते हो। पास में कैंडल्स लगाकर मूड सेट कर सकते हो और साथ में क्रिसमस केक टोस्ट, और फिर तुम दोनों प्यार भरी बातें कर सकते हो। और तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आई एम सॉरी, मैं अपना कंट्रोल खो बैठी थी इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वैसे ये बताओ, तुम्हारा प्लान एग्जैक्टली है क्या? असल में मैं उसी के बारे में तुमसे बात करना चाहता था। आप वाकई में अकेले सब कुछ मैनेज कर लेंगे? वो सब मैं कर लूँगा। मैं गोजोइन के घर कई बार गया हूँ, मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है। लेकिन अब चलो भी लिलिथ, वो बड़ा हो गया है, खुद से मैनेज कर सकता है। हाँ। छोटे मालिक, अगर कोई भी जरूरत हो तो तुरंत मुझे कॉल करना, ठीक है? ठीक है, मैं कॉल करूँगा। चलो, पहला पड़ाव तो पार हो गया, अब हमें बस। टारगेट कहाँ है? हमने टारगेट को बाहर भेज दिया है। कैसी हो तुम फुजीसाकी? हेलो सर, मेरी छोटी मालकिन ने मुझे सब कुछ समझा दिया है। आपकी इजाजत हो तो मैं इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ। क्या आप दोनों इस बात से सहमत हैं? हाँ, हम बिल्कुल सहमत हैं। सबसे पहले छोटी मालकिन। ओके, बताओ मुझे क्या करना है? ये डेकोरेशंस का काम मुझे क्यों दिया है? ये बहुत बोरिंग है। हो गया। बढ़िया। अब हमें बस इसे डेकोरेट करना होगा और केक तैयार। सर, ऐसे ही खड़े रहिए, हिलिए मत। बस हो गया। आपकी नाक पर व्हिप क्रीम लगी थी, निकाल दी। ओह फुजीसाकी, मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं तो छोटी मालकिन के लिए ये सब करती ही रहती हूँ। मुझे छोटी मालकिन पर हरदम नजर रखनी पड़ती है क्योंकि वो बहुत मस्तीखोर है। क्यों सर, कुछ हुआ है क्या? नहीं, मुझे एहसास हुआ कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करती हो। क्या प्यार? मुझे तो देखकर जलन होती है। मैं ये तस्वीर ले रही हूँ। हाँ, मगर क्यों, कितनी अच्छी तस्वीर आई है। मुझे भी खाना बनाने में तुम्हारी मदद करनी है। छोटी मालकिन, क्या आप इस केक पर थोड़ी स्ट्रॉबेरीज लगाने में मदद करेंगी? हाँ, हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ। क्या कहूँ, बहुत टेंशन हो रही है। ऐसी सिचुएशन में बात भी क्या करनी चाहिए। एक काम करती हूँ, इंटरनेट पर देखती हूँ। ये सब तो बिल्कुल बकवास है। नत्समय, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, नहीं। चलो क्रीप्स खाते हैं, मैं हमारे लिए खरीद कर लाती हूँ। तुम बस यहीं रुकना, ठीक है? नत्समय, भागो मत वरना। मम्मी, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम ठीक नहीं लग रही हो। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। नत्समय, इसे यूज करो, मैंने इसे पानी से भिगोया है।
थैंक यू सो मच। ओके, अब मेरी बारी। मैं तुमसे अपनी सभी बेवकूफी और गलती के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। लिलिथ, आज ना आज तुमने जो किया उसके लिए थैंक यू। तुम मेरे साथ इसीलिए आना चाहती थी क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं मायूस हूँ, है ना? वो मैं तुम्हें बस अपना कोई प्लान कैंसिल तो नहीं किया ना? ऐसा तो नहीं कि किसी से मिलने वाली थी और कैंसिल कर दिया? मैं भला किससे जाकर मिलूंगी? अच्छा, पर मैंने देखा था मैगजीन में तुम क्रिसमस स्पेशल पढ़ रही थी, तो मुझे लगा किसी के साथ कोई स्पेशल प्लान होगा। वो तो मैं इसलिए देख रही थी। खैर जाने दो। अच्छा चलो, हम एंजॉय करते हैं, आ जाओ। हाँ चलो करते हैं। मुझे सरप्राइज देने का प्लान बना रहे थे और तुम लिलिथ? क्या हो गया है तुम्हें? क्या बात है, क्या हुआ? मिस फुजिसाकी, आप यहाँ कैसे? आप जल्दी चलो ना नात्सुमे, तुम्हारे पास मेरे लिए बहुत सारी गॉसिप होगी। अंदर चलो और मुझे सब कुछ बताओ। हाँ हाँ, आ जाओ। चलो आ जाओ नात्सुमे। जाता है।
तुमने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की लिलिथ। थैंक यू छोटे मालिक। क्या तुमने नात्सुमे की हेयर एक्सेसरीज भी ली थी? हाँ, उस पर बहुत सूट कर रही है ना। हाँ, मुझे यकीन है उसे अच्छा लगा होगा। और आपका क्या छोटे मालिक? जरा ये बताओ कि ये कैसे करते हैं? सुई को इस नॉट के नीचे से ले जाइए और घुमा दीजिए। नात्सुमे, उम्मीद है कि तुम्हें ये पसंद आएगा। उसे जरूर पसंद आएगा। की सफाई में मदद नहीं करनी थी, इसलिए तुमने ही कहा कि तुम्हें शॉपिंग करने जाना है। मुझे कुछ कहना था। थैंक्स। मैं सच में बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पर आई। मैंने देखा लिलिथ तुम्हारे साथ खुश है, और तुम्हारा फिर से थैंक्स। तुम्हारी वजह से मैं लिलिथ से अपने दिल की बात कह पाई जो कभी नहीं कह पाती। मैंने कहा कुछ किया? जो भी किया वो तुम्ही ने किया। तुम्ही ने उसे अपने दिल की बात बताई। तुम ही ने किया। मैं तो अपने दिल की बात कहने से डरती थी, लगता था बेवकूफ दिखूंगी, तो ये मेरे लिए बिल्कुल शौक की तरह था। अपने घर लौटकर मैं उनसे भी अपने दिल की बात कहूंगी जिनसे मुझे प्यार है। मैंने जान लिया है अपने दिल की बात बताना बहुत जरूरी है। क्या? मुझे तो ये लगा था कि तुम लिलिथ से प्यार करती हो। मतलब मैं करती हूँ, मगर लिलिथ के लिए मेरे दिल में जो प्यार है वो मेरे मालिक के प्यार से बिल्कुल अलग है, तुम समझ रहे हो ना? ओ, अब मैं समझा। तो तुम अपने मालिक से प्यार करती हो, क्यों है ना? क्यों नहीं करती? करती हूँ पर ऐसा नहीं। ये वाला प्यार अलग होता है। जैसे कि परिवार के लिए होता है, दोस्तों के लिए होता है। देखो, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें ये बातें समझ नहीं आएंगी। खैर छोड़ो ये सब, ठंड बढ़ रही है, अब जल्दी घर चलते हैं। शुक्रिया। तुम्हें इस तरह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस तुमसे मिलने आया हूँ क्योंकि मैं इसी इलाके में आया था। अच्छा। सॉरी, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें नात्सुमे के नखरे झेलने पड़े होंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मालिक। वैसे वो है कहाँ पर? वो बाहर शॉपिंग के लिए गई है। अच्छा, क्या वो ठीक से तुम्हारी मदद कर रही है? हाँ, वो बहुत अच्छे से मदद कर रही है, सफाई में, कपड़े सुखाने में। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। मालिक, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ जो मैं आपके घर को छोड़कर यहाँ चली आई। कामकाज में बहुत दिक्कत हुई होगी ना? देखो, वो सारी चीजों के बारे में सोचना बंद कर दो। सिर्फ मैं ही नहीं, हम सब तुम्हें समझते हैं। ये बंगला तो काफी अच्छा है। हाँ। और देखने में तो ये काफी अच्छी तरह से मेंटेन्ड भी लग रहा है। तुम अकेले इस बंगले को संभालती हो? जी हाँ। देख रहा है तुम्हें वाकई इस बंगले और अपने मालिक की परवाह है। सच कहूँ तो तुमने इस बंगले को संभालने में बहुत मेहनत की है लिलिथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बंगले का तुम्हारे पास्ट के साथ कोई कनेक्शन है? जब मैं छोटी थी, मेरे मम्मी पापा कहीं चले गए और मैं अकेली रह गई थी। कुछ दिनों तक तो मेरे रिश्तेदारों ने मेरा ख्याल रखा। पर कोई मुझे हमेशा के लिए अपने घर पर नहीं रखना चाहता था। फिर छोटे मालिक के मम्मी पापा, जो मेरे मम्मी पापा के दोस्त थे, उन्होंने मुझे जगा दी। हर्बल चाय है, आई होप तुम्हें ये पसंद आएगी। शर्माओ मत। भूख लगी हो तो तुम्हारे लिए कुछ बना दूं, कुछ चाहिए हो तो बता देना।
डरो मत, इसे अपना ही घर समझो। देखो ललित, हमारी ये बात पहले ही हो चुकी है कि हम तुम्हारा 6 महीने तक ख्याल रखेंगे, मगर तुम जब तक चाहो इस घर में रह सकती हो ललित बेटा। इसीलिए क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि तुम हमारे लिए हमारे परिवार के सदस्य की तरह हो। कौन हो तुम? तुम अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो? क्योंकि मेरी आंखें बहुत डरावनी हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बहुत प्यारी है। तुम्हारी आंखें तो तारों की तरह चमक रही हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है। इस घर के लोगों ने मुझे अपनाया और अपने परिवार के सदस्य की तरह रखा। एक साल के बाद मैंने हाउसकीपिंग के कोर्स के लिए बोर्डिंग स्कूल में जाने का फैसला लिया। मैंने उनसे बात की, उन्हें मेरी फिक्र हो रही थी, लेकिन वो मेरी इच्छा समझते थे और उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की इस उम्मीद में कि मैं किसी दिन उनका ये कर्ज उतारूंगी। जब मेरी पढ़ाई खत्म हुई तब मुझे स्कूल की तरफ से आपके घर पर नौकरी मिली थी। और फिर नहीं, मुझे खबर मिली कि छोटे मालिक के मम्मी पापा एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। मुझे छोटे मालिक जिंदगी के उसी चौराहे पर नजर आए जहाँ एक समय पर मैं थी जब मेरे मम्मी पापा नहीं थे। अब छोटे मालिक की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी थी और साथ ही उनके घर की भी। अरे देखो ना ललित, ये नाचो में क्या कह रहे। अब अंदर भी चलोगे? पता है ये बैग कितना भारी है। वेलकम होम छोटे मालिक नाचो में। नाचो में, ये कैसे बात कर रही हो तुम? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम घर नहीं आ रही थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं तो वैसे भी कुछ दिनों में घर लौटने का सोच ही रही थी। पर ललित, ये है कौन? छोटे मालिक, ये है मेरे पुराने मालिक जहाँ मैं पहले काम किया करती थी। तुमसे मिलकर खुशी हुई, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। क्यों, क्या हुआ? छोटे मालिक, मैं आपको इसे यहाँ से नहीं ले जाने दूंगा। ललित मेरी मेड है। छोटे मालिक, अरे ऐसी कोई बात नहीं है यूरी, घबराओ मत, मैं ललित को वापस नहीं ले जाऊंगा। सच में? चलो अब बहुत देर हो गई है, हमें यहाँ से निकलना होगा। नाचो में, चलो देर हो रही है, चलते हैं। ठीक है यूरी बेटा, सुमे का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ कोई बात नहीं। वो क्या मेरा ख्याल रखेगा, मैंने उसका ख्याल रखा है। अरे अब बस भी करो नाथसुमे। एक और बात, मुझे पूरा यकीन है यूरी कि तुम ललित का अच्छे से ख्याल रखोगे। बिल्कुल ठीक है। तो सुनिए मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हम या तुम दोनों से मिलने आ सकते हैं? आई एम श्योर कि नाचो में तुम्हें बहुत मिस करेगी। क्या, बिल्कुल नहीं। हाँ ये ठीक रहेगा ना छोटे मालिक? आप जब चाहे तब यहाँ आ सकते हैं। थैंक यू। दोनों चले गए। अरे क्या क्या हो गया? वो मैंने खाना बनाया था नाथ सुमे के लिए भी, पर वो तो चली गई। ओ बस इतना ही ना, तुमने तो डरा ही दिया।
अब मैं खाने का क्या करूँगी? मैं खा लूंगा। मुझे तुम्हारे हाथ का खाना तो इतना अच्छा लगता है कि जितना दोगी उतना खा सकता हूँ। आज बहुत शांति है ना छोटे मालिक? सोचा नहीं था कि नात्सुमे के जाने के बाद घर इतना सुना सुना लगेगा। वो तो है। अब हम फिर से दो लोग रह गए हैं इतने बड़े बंगले में। छोटे मालिक, आप थोड़ा और लेंगे क्या? हाँ दे दो, खा लेता हूँ। कितने दिनों के बाद इस घर में सिर्फ हम दोनों हैं। मैं तो ठीक से बात करना भी भूल गई हूँ। मगर कितना कुछ है जो मैं छोटे मालिक से कहना चाहती हूँ। ये लीजिए छोटे मालिक। तुम्हारा शुक्रिया। छोटे मालिक, कल आप मेरे साथ बाहर जाना चाहेंगे क्या? मैंने सोचा कि हम दोनों इतने दिनों से साथ में रह रहे हैं पर कभी बाहर घूमने नहीं गए। क्या तुम्हारा मतलब है डेट पर? डेट? मेरा मतलब वो डेट पर ही। तो ठीक है, हम दोनों कल डेट पर जाएंगे। ठंड काफी बढ़ गई है ना छोटे मालिक? हाँ। छोटे मालिक, आपको ठंड नहीं लग रही क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुमने मुझे ये जो दिया है। हाँ? क्या बात है छोटे मालिक? ये कपड़े। मैंने सोचा आज अपना बेस्ट आउटफिट पहनूं। आज आपके साथ पहली डेट पर आई हूँ ना, इसीलिए। मजाक कर रही हूँ। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू छोटे मालिक। तो बताइए आपको कहाँ जाना है छोटे मालिक? हाँ देखते हैं। मुझे तो वहाँ जाना है जहाँ आपको जाना हो। हम कहीं भी जा सकते हैं। हाँ? मगर वो हम जहाँ भी जाएं अगर तुम साथ हो तो मजा ही आएगा। तो चलिए एक काम करते हैं, किसी कैफे में गर्मा गर्म कॉफी पीते हैं। हाँ अच्छा आइडिया है। तो फिर चलें कैफे। क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? स्कूल में छुट्टियों के दौरान भी मेरे इतने सारे क्लासेस क्यों होते हैं? आपको आज सिर्फ एक ही क्लास अटेंड करनी है, उसके बाद तो आप अपने पेरेंट्स के साथ इंटरनेशनल ट्रिप पर जा रही हैं। अरे यूरी, फुजिसाकी, वो देखो, तुम्हें नहीं लगता वो डेट पर जा रहे हैं? हाँ फुजिसाकी, बोलो ना। नहीं तो मुझे लगता है वो शॉपिंग पर जा रहे हैं। अरे ये क्या बोल रही हो, जरा देखो तो उनको, वो कितने मजे कर रहे हैं। हम यहाँ ऐसे बैठ नहीं सकते, फुजिसाकी चलो उनका पीछा करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, आपको अभी पियानो क्लास के लिए जाना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मार्केन, यहाँ अच्छा लग रहा है ना? हाँ। इतनी ठंड को देखकर लगता है जैसे बर्फ पड़ने वाली है। बर्फ? सुनो लिलित। जी? एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं यहाँ के बाद जाना चाहता हूँ, क्या तुम चलोगी? हाँ जरूर चलूंगी। बताइए कहाँ जाना है आपको, हम वहीं जाएंगे। अकेले आने से डर लग रहा था छोटे मालिक, मगर अब तुम्हारे साथ में यहाँ आ सकता हूँ। थैंक यू। मम्मी पापा वहाँ स्वर्ग में एक साथ खुश तो होंगे, है ना? हाँ बिल्कुल छोटे मालिक, वो दोनों स्वर्ग से आपको देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा। पर आप घबराइए मत, अब लिलित मेरे साथ है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम जल्द ही आपसे दोबारा मिलने आएंगे। हेलो अंकल, हेलो आंटी, काफी अरसे बाद मिल रहे हैं, मैं लिलित हूँ।
आप छोटे मालिक की फिक्र मत कीजिएगा, मैं उनका ख्याल रखूंगी, आप बेफिक्र रहें। चले ललित। हाँ बस अभी आई। कितना अच्छा लग रहा है। क्या हुआ छोटे मालिक? ऐसे लाइट्स को देखते हुए तुम बहुत प्यारी लग रही थी, मैं तुमसे अपनी नजरें नहीं हटा पाया। I'm sorry, मैंने आपकी ओर नहीं देखा, ये लाइट्स इतनी प्यारी हैं। नहीं कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें देखते हुए मजा आ रहा था। वैसे भी काफी अरसा हो गया तुम्हारे साथ अकेले टाइम स्पेंड किए हुए ललित। मैं तो हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ छोटे मालिक। तुम नाथसुमे के साथ इतनी ज्यादा बिजी थी कि तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम ही नहीं था। हाँ वो तो है। इसीलिए ललित ये जो पल है इसे एक साथ एंजॉय करते हैं, एक साथ बिताते हैं, मेमोरीज बनाते हैं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक सवाल था जो कब से आपसे पूछना चाह रही थी। आप जिस प्यार की बात करते हैं ये किस तरह का प्यार है? वो तो नहीं पता, मगर मैं ये जरूर जानना चाहूंगा तुम्हारे साथ वक्त बिताकर। याद है आपने मुझसे पूछा था कि क्या मैं आपके साथ इसीलिए हूँ क्योंकि आप मेरे मालिक हैं? हाँ मैं आपके साथ इसीलिए हूँ क्योंकि आपके साथ मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मेरा चेहरा लाल हो जाता है, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आपके साथ इसलिए नहीं रहती क्योंकि आप मेरे मालिक हैं, मगर इसलिए क्योंकि आप हैं। पता नहीं कि मैं आपके प्यार का जवाब अभी दे पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं भी आपको पसंद करती हूँ। थैंक यू सो मच। ये रिश्ता उसी वक्त से ऐसा होना चाहिए था, प्यार भरा। और अब हमेशा ऐसा ही रहेगा। उम्मीद है कि आप मुझे तब भी प्यार करेंगे जब आपको मेरे बारे में सब पता चल जाएगा। काफी तेज बर्फ गिरने लगी है ना? चलिए घर चलते हैं छोटे मालिक। सही कह रही हो। अभी के लिए मेरी बस यही इच्छा है। काफी बर्फ पड़ गई है। आइडिया, अभी जाके ललित को स्नोमैन बनाकर सरप्राइज करता हूँ। वो तो पहले ही बना चुकी है। छोटे मालिक? हाँ। ये क्या? ये दोनों तो एक साथ बहुत क्यूट लग रहे हैं। बिल्कुल हम दोनों की तरह दिख रहे हैं, है ना? हाँ बहुत ही क्यूट है ना। मैं इनके बच्चे भी बना देता हूँ। क्या बच्चे? वो भी ढेर सारे। क्या कहा, ढेर सारे? बहुत क्यूट है। आपको सर्दी हो गई है क्या? आपके हाथ लाल हो गए हैं। हाँ सही कह रही हो। अपना हाथ दीजिए। मैं जाकर थोड़ा पानी गर्म कर देती हूँ। छोटे मालिक तुम्हारे हाथ भी ठंडे हो गए हैं। मत कीजिए छोटे मालिक, आपको जुकाम हो जाएगा। सच में? हाँ। अचानक तुम्हारे हाथ गर्म क्यों हो गए ललित? अच्छा अब चलिए, हमें अंदर जाना चाहिए छोटे मालिक। ठीक है।
है लिलिथ, जैसा तुम कहो।